शुएब अख्तर पाकिस्तान के जो फॉर्मर पेसर हैं रोहित शर्मा पर फ्लैट हुए पड़े हैं। मतलब रोहित शर्मा से रिलेटेड शुएब अख्तर जिस लेवल के ऊपर जाकर आजकल तारीफें कर रहे हैं, बंदा अपने महबूब की भी ऐसे ना करे। शुएब अख्तर ये कहते हैं कि भैया रोहित शर्मा की कैप्टनसी 10 out of 10 थी इस वर्ल्ड कप में। कुछ जगहों के ऊपर वो 19-20 हुए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो शुएब अख्तर कहते हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी एक्सेप्शनल थी पूरे वर्ल्ड कप में, और वो डिज़र्व करते थे कि वो ये वर्ल्ड कप जीतें, वो ये वर्ल्ड कप उठाएं, उनकी टीम उनके साथ सेलिब्रेट करे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो सका। देखिए, रोहित शर्मा ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता हो, और शायद काफ़ी ज़्यादा को ये स्टैट नहीं पता होंगे कि टेस्ट में, ODI में, T20 में रोहित शर्मा की जो विन परसेंटेज है वो तीनों फॉर्मेट्स में 70+ है। इनफैक्ट 75 के अराउंड है कहीं, विच इज़ एक्सेप्शनल। मतलब ऐसा जो विन परसेंटेज होता है बड़े कम कैप्टन्स का होता है। उनका एक ओरा भी नज़र आता है, जो रोहित शर्मा का ग्राउंड में एक ओरा भी नज़र आता है। कूल काम से हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, कुछ जगहों पर हो भी जाते हैं। वो ऑब्वियसली बात है यार, मैच फंसा हुआ हो तो अपने ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर कोई MS धोनी नहीं होता भैया, कि जिसके धनिए के मतलब बाग ही बाग हैं, वो इतना ठंडा आदमी है, हर कोई इतना नहीं होता। बीच बीच में रोहित शर्मा जो है ना, वो बताते रहे हैं कि यार वो भी थोड़ा सा ना पैनिक होती है। और शुएब अख्तर ने ये कहा है, उन्होंने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा है कि कुछ जगहों के ऊपर रोहित शर्मा पैनिक हो जाते थे और वो नज़र भी आता था, लेकिन इसी के साथ साथ इंतहाई सेल्फलेस किस्म का खिलाड़ी। ठीक है, रोहित शर्मा कभी पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ नहीं गया, पर्सनल स्कोर्स नहीं देखे, हमेशा टीम का सोचा है। मतलब आप ये देखिए कि मल्टीपल टाइम्स इस वर्ल्ड कप में 3-4 दफ़ा तो शायद मुझे याद पड़ रहा है मोटा मोटा, वो 40s में आउट हुए हैं। और 40s में वो इस तरह आउट हुए हैं कि वो मार धाड़ उन्होंने शुरू की हुई थी, आते साथ ही टीम का जो एवरेज था ना टोटल, यानी कि पहले 7-8 ओवर्स में रोहित शर्मा की बदौलत वो गया हुआ था 70-80 के ऊपर इन सारे मैचेस में, क्योंकि रोहित शर्मा आके मारधार करते थे। 40-45 40s में स्कोर किया, बॉल्स ऑलमोस्ट आधी खेली हुई, 20-25 बॉल्स उसके ऊपर 40-45 स्कोर मारा हुआ, और जनाब टीम को जो एक बेहतरीन किस्म का स्टार्ट दे दिया। क्या कि पहले 7-8 ओवर्स में 70-80 रन जड़ दिए। यही इनका प्लान भी चलता था कि रोहित शर्मा आते साथ मारेगा, अगर आउट हो भी गया तो उसके बाद विराट आकर जो है मिडिल ओवर्स में कवर कर लेगा। यही स्ट्रेटेजी रोहित शर्मा और इनके पूरे गैंग की फाइनल में भी थी। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में ना इनको जो डज लगी है ना, वो पिच की लगी है। और मुझे है थोड़ा सा कि यार, जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते आप बिला वजह में एक ऐसी मतलब अजीब सी विकेट बना दी जिसके ऊपर आप खुद ही फंस गए। मतलब इंडिया ने डेफिनेटली पहले बैटिंग ही करनी थी, कि आप पहले बैटिंग करते, एक बड़ा स्कोर या एक ऐसा स्कोर खड़ा कर लेते जो आप डिफेंड करने की पोजीशन में आ जाते, लेकिन वो स्कोर इंडिया से खड़ा नहीं हुआ। और पता नहीं फिर पिच को क्या हुआ कि वो पहली इनिंग्स में थोड़ी जितनी ऐसे लग रहा था कि ड्यूल पेस्ड है, बॉल फंस के आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है उस पिच के ऊपर, वो सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गई, वो वहाँ पर मैच हार गए। तो पहले ही आपके पास रन्स कोई नहीं थे, दूसरा बैटिंग विकेट आ गई। अब रोहित शर्मा बतौर कप्तान क्या करता, वो स्लिप तक तो लगाने की पोजीशन में नहीं था क्योंकि रन्स नहीं थे। होता ना, इसके पास कुछ रन्स होते तो ये अटैकिंग करता, ये अटैकिंग फील्डिंग सेट करता, स्लिप्स लगाता, कोई लड़के करीब खड़े करता। बेचारे के पास रन ही इतने नहीं थे, उसको अंदर ये भी तो डर था ना कि यार मुझे चौका पड़ गया तो फिर सारे ओवर्स की एवरेज का सत्यानाश हो जाएगा। ये सारी बातें शुएब अख्तर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में की हैं, कह रहे हैं यार वो क्या करता, तो बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग आजकल बात कर रहे हैं, और इंडिया के जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का नेटवर्क है ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, नाम नहीं लूंगा, उसके एंड के ऊपर स्पोर्ट्स आता है, MU क्या बिला वजह में उनको वो देनी जिसे कहते हैं हाइप देनी या उनके बारे में नाम लेना, उनको भी आजकल बहुत लोग रगड़ रहे हैं, इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया ये तुमने उन्होंने कोई एड चलाया कि पता नहीं कोई कैंपेन चलाई जिसमें 3 स्टार्स थे, 1 स्टार उन्होंने कपिल देव को दिया 83 का वर्ल्ड कप जीता, दूसरा स्टार उन्होंने MS धोनी को दिया 2011 का वर्ल्ड कप जिताया हुआ था MS धोनी ने, तीसरा स्टार उन्होंने कोहली और रोहित शर्मा दोनों को इकट्ठा दिया। तो वहां पर लोग तप गए कि भाई ये क्या PR, वो कहते हैं ये PR कैंपेन चल रही है कि मतलब रोहित को क्यों नहीं तुम उसकी डिजर्विंग प्लेस देते। ये बात है वैसे, ये आई एग्री कि रोहित को वो जगह नहीं मिल पाती मैंने देखा है, या इसको उस लेवल की अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जो आपको ना कई दीगर खिलाड़ियों को मिलती भी नज़र आती है। हालांकि यार मतलब तीसरा वो मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन्स गेटर है ODI क्रिकेट में।
10,000 प्लस उसके रन्स हैं, उसकी मेरा ख्याल है 20-30 सेंचुरियां तो उसकी भी हो चुकी हैं। मतलब आपका कप्तान भी वो है, बेहतरीन किस्म की उसने कप्तानी भी की है, आप एशिया कप भी उसके अंडर जीते हैं, मल्टीपल आप और सीरीज़ उसके अंडर जीते हैं। अच्छा, वो आपको अटैकिंग क्रिकेट वो खेलता है, स्पिनर्स को वो डोमिनेट करता है, पेसर्स को वो डोमिनेट करता है। पूरी दुनिया में बड़े लिमिटेड किस्म के बैट्समैन हैं जो किसी भी सरफेस के ऊपर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को डोमिनेट करते हैं, रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ देम। तो इन सारी चीज़ों के, अच्छा रन्स भी हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, कोई ऐसा भी मसला नहीं है कि फिटनेस भी ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तोंद निकली हुई है समथिंग, लेकिन रोहित शर्मा को ना उस लेवल की अप्रिसिएशन नहीं मिलती। ये गिला है, ये वाकई में गिला है, ये इंडियन क्रिकेट फैंस का भी गिला है, ये थोड़ा सा मेरा भी गिला है, ये इवन शुएब अख्तर का भी गिला है, ये और एक्स क्रिकेटर्स हैं ये उनका भी गिला है कि रोहित को वो प्रॉपर वो लाइमलाइट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है, अपनी परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर डिजर्व करता है, अपनी जो जितना भी उसका क्रिकेट का कैरियर है अभी तक उसकी बेस के ऊपर वो डिजर्व करता है, बट समहाउ नहीं मिल पाती यार उसे। अब रीज़न ये मुझे नहीं आइडिया, शायद कुछ ए बी पी आर व्हाटएवर यार, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शुएब अख्तर ने यार हैंड्स डाउन उसने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी शुएब अख्तर ने की, मल्टीपल इंटरव्यूज़ में की, और शुएब अख्तर तो बहुत बड़े फ़ैन हैं रोहित शर्मा के, मैं खुद उनकी बैटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एलिगेंट वो इतनी स्मूथनेस के साथ वो खेलता है, लेजी एलिगेंस जो उसके अंदर है ना, मैंने 3 बैटर्स में लेजी एलिगेंस देखी है और इन 3 का वाकई कोई मुकाबला नहीं है, इंजी मोहम्मद यूसुफ रोहित शर्मा, इन तीनों में इतनी लेजी एलिगेंस है ना, आप इनकी जाकर बैटिंग देखें आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।